हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है फर्स्ट प्रैक्टिस सेट ऑफ रीजनिंग सेक्शन। रीजनिंग सेक्शन का ये सबसे पहला सेट है और इसमें आपको पहले के जैसे ही 16 के 16 क्वेश्चन मिलेंगे और आपको वीडियो के एंड में कॉमेंट बॉक्स में अपने अपने मार्क्स बताने हैं कि रीजनिंग के कैसे मार्क्स आए हैं आपके। ठीक है दोस्तों, इसमें जैसे HP पुलिस में पूछे जाते हैं क्वेश्चन, बिल्कुल लेवल अप या डाउन नहीं होगा, बिल्कुल वैसा ही लेवल इसमें आपका इस प्रैक्टिस सेट में होगा। दोस्तों आज की वीडियो का सबसे पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, मछली जैसे जल से संबंधित है वैसे ही चिड़िया किससे संबंधित है। ऑप्शन ए है आकाश, बी है वायु, सी है जल, डी है भोजन। दोस्तों वीडियो को 5 सेकंड के लिए पॉज करो, देन अपना उत्तर दो। उम्मीद करता हूँ आपने वीडियो को 5 सेकंड के लिए पॉज किया होगा, देन अपना उत्तर दिया होगा। ठीक है चलिए अपना उत्तर जान लेते हैं कि इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। दोस्तों इस क्वेश्चन का उत्तर है आकाश। ठीक है दोस्तों, जैसे मछली जल में रहती है और चिड़िया जो है वो आकाश में उड़ती है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जल जैसे कप्तान से संबंधित है वैसे ही अखबार किससे संबंधित है। ए प्रकाशर, शक, बी संपादक, सी मुद्रक, डी पाठक। उम्मीद करता हूँ आपने वीडियो को पॉज किया होगा, देन अपना उत्तर दिया होगा। दोस्तों इसका सही जवाब जो है वो है ऑप्शन नंबर बी संपादक। ऑप्शन नंबर बी संपादक। ठीक है, जैसे जहाज़ में जो है वो लीडिंग कैप्टन होता है, कप्तान होता है, उसी तरह अखबार में जो है वो मेन रोल जो है वो संपादक का होता है। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, मोची चमड़ा दर्जी किससे संबंधित है। ए बजाज, बी कमीज, सी धागा, डी कपड़ा। उम्मीद करता हूँ आपने वीडियो को पॉज किया होगा, देन अपना उत्तर दिया होगा। दोस्तों जैसे मोची जो है वो चमड़े से संबंधित है, दर्जी किससे संबंधित होगा। जैसे मोची हमेशा जो है वो चमड़े पर कीलें जहाँ चप्पलें जहाँ जूते ठीक करता है, दर्जी जो है उसका संबंध होता है कपड़े से। किससे? कपड़े से, वो कपड़े ही सिलता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, बेड मटन से संबंधित है, हिरण किससे संबंधित होगा। ए मीट, बी पील, सी फ्लैश, डी बिनीजन। ठीक है उम्मीद करता हूँ आपने वीडियो को पॉज किया होगा और अपना उत्तर दिया होगा। दोस्तों इसका सही जवाब जो है वो है ऑप्शन नंबर डी विनिजन। ठीक है, जैसे चिकन किसे बोलते हैं, मुर्गे के मीट को चिकन बोलते हैं, बेड या बकरी के मीट को मटन बोलते हैं, हिरण के मीट को विनिजन बोलते हैं। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, निम्नलिखित शब्दों में से विषम शब्द चुनिए, मीन्स ओड वन आउट का क्वेश्चन है ये। ए है पत्थर, बी है स्पीड पोस्ट, सी है SMS, डी है मनी ऑर्डर। उम्मीद करता हूँ आपने वीडियो को पॉज किया होगा, देन अपना उत्तर दिया होगा। दोस्तों इसका सही जवाब जो है वो है ऑप्शन नंबर सी SMS। दोस्तों पत्थर, स्पीड पोस्ट, मनी ऑर्डर जो है वो हमेशा ऐसे ही हम करते हैं पोस्ट ऑफिस जाकर, और जो SMS जो है वो डिजिटली पत्थर टाइप ही भेजा जाता है, संदेश टाइप ही भेजा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर सिक्स, निम्नलिखित शब्दों में से विषम शब्द चुनिए, इसमें भी ओड वन आउट का क्वेश्चन है। बर्ग फिट, बी है बर्गमूल, बी सी है बर्ग इंच, बर्ग मीटर।
उम्मीद करता हूँ आपने वीडियो को पॉज किया होगा देन अपना उत्तर दिया होगा। दोस्तों इसका सही जवाब जो है वो है ऑप्शन नंबर बी वर्गमूल। दोस्तों ये वर्गमूल वही है जो आप मैथमेटिक्स और गणित में पढ़ते हो, ठीक है। बाकी वर्ग फिट, वर्ग इंच, वर्ग मीटर जो है वो डिस्टेंस मापने के लिए यूज़ होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 7th क्वेश्चन, ये है हमारा ब्लड रिलेशन का प्रश्न। इसमें बताया गया है सी माता है ए और बी की, यदि डी पति है बी का तो सी कौन है डी की, ठीक है। ए माता, बी बहन, सी सास, डी चाची। उम्मीद करता हूँ इसके लिए आप कम से कम 5 से 7 सेकंड ले सकते हो क्योंकि ये थोड़ा लेंथी टाइप होते हैं क्वेश्चन, ठीक है। आप थोड़े 5 या 7 सेकंड ले सकते हो। वीडियो को पॉज कर लीजिए देन अपना उत्तर निकालिए। जैसे अपना उत्तर निकालिए देन अपना उत्तर देखिए, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपने वीडियो को पॉज किया होगा देन अपना उत्तर दिया होगा। इसका सही जवाब हम इकट्ठे निकालते हैं, ठीक है। इसमें दोस्तों क्या बताया है कि सी जो है वो माता है, इसके मीन्स दो बच्चे हैं ए और बी। इन दोनों का हमें लिंग जो है वो नहीं पता, सिर्फ और सिर्फ हमें पता है कि सी माता है। दोस्तों आपको रीजनिंग में जो ब्लड रिलेशन का टॉपिक होता है इसमें आपने दो बातें याद रखनी हैं कि जो मेल हैं उनके लिए पॉजिटिव और फीमेल के लिए नेगेटिव का साइन यूज़ होता है, ठीक है। अब सी मींस फीमेल है माता जी और इनके लिए नेगेटिव साइन यूज़ हुआ, ठीक है। आगे बता दिया कि ए और बी दोनों इनके बच्चे हैं, ठीक है। यदि डी पति है बी का मींस यदि डी पति है बी का, ठीक है, इसके पति हैं मींस ये हो गया आपका पॉजिटिव साइन, ये मेल है, ठीक है। अब आपको बताना है डी और सी का रिलेशन क्या है, डी और सी का क्या रिलेशन है। दोस्तों इसमें आपने बताना है डी और रिलेशन सी का रिलेशन क्या है। दोस्तों खुद ही देखिए, यदि बी जो है बच्चा है, बी की माँ जो है वो सी है, और यदि इसकी माँ हुई ये सी तो इसके पति हैं, और इसकी भी जो है वो माँ हुई, और क्योंकि ये इसकी दूसरी मॉम है मींस सास है, ये इसकी पत्नी की मॉम है तो इसकी सास हुई है, ठीक है, ठीक है, सास हुई, ठीक है। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन में आपको क्या बताना है, एक्स और वाई बाई बाई हैं, बाय आर वाई का पति है, एस टी का बाई है, और वाई का माम एक्स का मामा है, और टी और आर से क्या संबंध है, ठीक है। ए है माता, बी है पत्नी, सी है बहन, और आपकी डी है भाई, ठीक है। दोस्तों इसमें क्या है, आपको क्या बताना है कि आपको वीडियो को 5 से 10 सेकंड के लिए पॉज करो देन अपना उत्तर दो। आप पहले पॉज करिए वीडियो को देन अपना उत्तर दें, ठीक है। दोस्तों इसका उत्तर हम इकट्ठे निकालते हैं। क्या बताया हमें क्वेश्चन में, हमें बताया गया है कि x और y बाई बाई हैं, ठीक है, इन दोनों में इक्वल मीन्स ये दोनों बराबर हैं, बाई बाई हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें टर्म है r y का पिता है, ठीक है, मीन्स r जो है वो y का पिता है, इसका भी पिता है और इसका भी पिता है, ये ऊपर आए, ठीक है। नेक्स्ट रिलेशन है s t का बाई है, s t का बाई है मीन्स s जो है वो इसका बाई है, s x का मामा है मीन्स x जो है वो इसका मामा है, तो इसका भी मामा ही हुआ, ठीक है। और अब बात आती है
ये इसके इन दोनों के जो है बच्चों के पिता कौन है, आर। इन दोनों के पिता हो गए, इन दोनों के मामा कौन है, एस। ठीक है दोस्तों, ये जो है अन नॉन आइडेंटिटी, ये और ये इनका दोनों का संबंध हो सकता है पति पत्नी का। ठीक है, पति पत्नी का संबंध है, मींस बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नाइन्थ क्वेश्चन में आपको क्या दिया है, यदि 15 सितंबर 2001 को शुक्रवार है तो 15 सितंबर 2001 को क्या दिन होगा। ए रविवार, बी बृहस्पतिवार, सी शनिवार, डी शुक्रवार। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपने वीडियो को पॉज किया होगा, देन अपना उत्तर दिया होगा। चलो वीडियो को पॉज करो, देन अपना उत्तर फाइंड आउट करो। दोस्तों इसमें उम्मीद करता हूँ आपने वीडियो को पॉज किया होगा, देन अपना उत्तर दिया होगा। दोस्तों ये दोनों सेम डेट्स हैं, 15 सितंबर और 15 सितंबर। ठीक है, इसमें हमें काफ़ी आसानी हो जाएगी निकालने के लिए। दोस्तों आपने कैलेंडर के क्वेश्चन जो है वो पहले भी किए होंगे, मैं आपको एक बार खुद समझा सकता हूँ इसे। जैसे 2001 और 2001 में बताया गया ना, इसमें यदि हमने एक ईयर से दूसरे ईयर तक शिफ्ट करना है और डेट हमारी सेम है तो हमें एक डे प्लस करना होता है। क्या करना होता है, एक डे प्लस करना होता है। मींस शुक्रवार में एक प्लस किया तो क्या आया आपका, शनिवार। ठीक है, ठीक है। और यदि किसी को डाउट होगा कि इसमें जो है वो आपका लीप ईयर होगा और प्लस दो करना होगा, दोस्तों प्लस दो तो होना था यदि जैसे लीप ईयर के कोई भी डेट हो वो बीच में आ रही हो तो, क्योंकि इसमें हमें लीप ईयर से स्टार्ट करना है, ना कि ये बीच में नहीं आ रही है, बीच में आ रहा है हमारा 2001 का साल, वो है लीप ईयर नहीं है। ठीक है दोस्तों, लीप ईयर और सिंपल ईयर में आपका डिफरेंस जो है वो पता होना चाहिए। पहले आपको आंसर पता लग गया ना, सी ऑप्शन है इसका। और लीप ईयर और सिंपल ईयर में क्या फ़र्क होता है, दोस्तों लीप ईयर और सिंपल ईयर में फ़र्क होता है कि लीप ईयर जो है वो 4 से डिवाइड हो जाता है, सिंपल ईयर जो है वो 4 से डिवाइड नहीं होता है। यही लीप ईयर और सिंपल ईयर में डिफरेंस होता है। ठीक है, आप समझ गए ना दोस्तों। यदि लीप ईयर की डेट जो है वो सामान्य ईयर के सामने आए तो प्लस टू होता है, यदि सिंपल ईयर हो तो प्लस वन होता है। ऐसे सिंपल से आपको फार्मूला ये लर्न रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 10th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है, 4 मई, 5 जून, 9 जुलाई, 4 नवंबर को। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपने वीडियो को पॉज किया होगा, देन अपना उत्तर दिया होगा। दोस्तों इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर बी, 5 जून। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 11th क्वेश्चन। 11th क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, अक्षरों ए सी ई आर में से हर एक अक्षर का एक एक बार प्रयोग करते हुए अंग्रेजी के कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं, कितने बनाए जा सकते हैं। दोस्तों इसे शफल करना है हमें, इसमें शफल करके कितने बनाए जा सकते हैं, इसमें हमें शफल करना है। शफल होता है कि इसे चारों को आगे पीछे करना है। ठीक है, तो कितने बनाए जा सकते हैं, इसमें बनाए जाते हैं तीन। तीन कौन कौन से, पहला आएगा आपका केयर, ठीक है, दूसरा आएगा आपका रेस, तीसरा आएगा आपका एकड़। ठीक है, तीन शब्द बनाए जा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 12th क्वेश्चन। 12th क्वेश्चन में क्या बताया गया है, उत्तरोभिमुख मीन्स उत्तर दिशा में मुख। ठीक है, उत्तरोभिमुख मीन्स उत्तर दिशा में मुख, बच्चों की एक पंक्ति मीन्स बच्चों की एक लाइन में रितेश बाएं छोर से 12वां है और सुधीर जो है दाहिने छोर से 20वां है, रितेश से दाएं का 4था है,
पंक्ति में लाइन में कुल बच्चे कितने हैं, ठीक है, 35, 36, 37 या 34। दोस्तों इसके उम्मीद करता हूँ आपने वीडियो को पॉज किया होगा देन अपना उत्तर दिया होगा, ठीक है। दोस्तों चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको क्या बताया है, आपको बताया गया है कि सभी बच्चे जो हैं वो उत्तर दिशा में हैं, ठीक है। उत्तर दिशा में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि उत्तर क्या है, दक्षिण क्या है, पूर्व क्या है, पश्चिम क्या है, ठीक है। दोस्तों ऐसे आपको मैप माइंड में बनाना है, ये होता है आपका उत्तर दिशा, ये होती है आपकी दक्षिण दिशा, ये होती है आपकी पूर्व दिशा, ये होती है आपकी पश्चिम दिशा, ठीक है। चारों दिशाओं का ज्ञान हो गया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, इसी क्वेश्चन में देखते हैं आगे। नेक्स्ट स्टेटमेंट मींस इस डायरेक्शन में सभी बच्चे बैठे हैं, ठीक है। ये हो गया आपका दक्षिणी शोर और ये हो गया आपका बाएं का शोर, ठीक है। दोनों शोरों का आपको ज्ञान हो गया ना। यदि हम उत्तर की ओर देखें, खुद ही आप उत्तर की ओर देखो और ये हो गया आपका दायना शोर, ये हो गया आपका वाया शोर, दोनों शोरों का ज्ञान हो गया। नेक्स्ट है हमारा, इसमें बताया गया है रितेश जो है बाएं शोर से बारबा है, मीन्स इसमें बाएं शोर से रितेश बारबा है, मीन्स रितेश बाएं शोर से बारबा है, रितेश जो है आर टी लिखते हैं इसे, रितेश बाएं शोर से बारबा है, ट्वेल्थ, ठीक है। इसमें और इसमें कितना अंतर है, मींस ये 12वीं पोजीशन पे और इसमें आगे कितने बच्चे, आगे 11 बच्चे इसके बीच में बैठे हुए हैं, ठीक है। इतनी क्लियर होगी ना स्टेटमेंट। नेक्स्ट स्टेटमेंट दी गई है सुधीर जो है वो दाहिने शोर से 20वां है, ठीक है। दाहिने शोर की बात करते हैं, सुधीर इसमें बैठा है, एस डी लिखते हैं इसमें, सुधीर, सुधीर जो है वो 20th पोजीशन है, मीन्स इसमें और इसमें कितने बच्चों का डिफरेंस है, 19, ठीक है, ठीक है, समझ में आया ना, यहाँ तक कहोगे क्लियर टर्म। नेक्स्ट बताया गया है सुधीर रितेश से दाएं का चौथा है, सुधीर और रितेश में कितना है, सुधीर जहाँ है सुधीर के चौथे, मीन्स 4 पोजीशन आगे, 12 में से 12 प्लस 4 मीन्स यदि हम बाएं से देखें सुधीर की पोजीशन, तो सुधीर की पोजीशन आई 12 प्लस 4 करें हम तो 16, मीन्स बाएं से सुधीर जो है वो बैठा है 16वें नंबर पर, ठीक है, समझ गए ना। अब इतनी कंडीशन यहाँ से देखो कि बाएं से सुधीर बैठा है 16वें नंबर पर और इससे बताया गया है ये दाहिनी तरफ से, इसमें आपको बताया था कि यहाँ तक हो गया ना ये 16वीं पोजीशन और 16 प्लस पहले कितने बच्चे थे यहाँ बैठे, 16 प्लस 19 यदि हम करेंगे तो हमारा करेक्ट आंसर निकल जाएगा, कितना आया आपका 37, मींस 37 बच्चे बैठे हुए थे, ठीक है, टोटल लाइन में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 13 नंबर क्वेश्चन है, एक खास कोड में रेल को 5796 लिखा जाता है और टैप को 3748 लिखा जाता है, इस कोड से पेयर को क्या लिखा जाता है, 4795, 4785, 3795, 8795, ठीक है, इसमें क्या लिखा गया है, क्या लिखा गया है रेल को, क्या लिखा गया है 5796, ठीक है, 5796 लिखा गया है रेल को, क्या गया है 5796 रेल को, 5796, ठीक है, और टैप को क्या लिखा गया है 3748, ठीक है। अब आप देखिए R का है 5, A का है 7, I का है 9 और L का है 6, ठीक है। इसमें अगर देखिए आपको यहाँ से क्लियर हो रहा होगा, R का है 5, A का है 7, I का है 9,
और एल का है 6, ठीक है। ये कोट हो गया ना, एल का है 6। और नेक्स्ट बात करते हैं टैब की। टैब का टी का है 3, ए का है 7, पी का है 4, ई का है 8, ठीक है। अब हमें पता चल जाएगा कि ए पीयर का क्या होगा। पी का हमने बताया 4, ए का 7, आई का 9, आर का 5, मीन्स 47-95 इसका कोड सही है, ए इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से शब्दों में से विषम चुनना है आपको, ओड वन आउट का क्वेश्चन है, मील, लीटर, गज, सेंटीमीटर। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपने वीडियो को पॉज किया होगा, देन अपना उत्तर दिया होगा। इसका सही जवाब जो है वो है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर, विकाउस, मील, गज, सेंटीमीटर, तीनों ही डिस्टेंस दूरी का माप करते हैं और ये तरल का लिक्विड का माप करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 15th क्वेश्चन हो गया आपका, क्या है, सुनीता लड़कियों की एक पंक्ति में दोनों शोरों से 11वें स्थान पर है और उस पंक्ति में कितनी लड़कियां हैं, 20, 21, 22, 24। क्या बताया गया है, सुनीता जो है वो दोनों शोरों से 11वें स्थान पर है, मीन्स इसमें भी आपकी ये 11th पोजीशन पर है, यदि हम यहाँ से देखें तो भी 11th पोजीशन पर है, दोनों में 10 और 10, ठीक है। इसमें भी 10 बच्चे बैठे हैं और इसमें भी 10 बच्चे बैठे हैं, ठीक है। 10 प्लस 10 कितने हुए, 20, और ये पोजीशन कितनी हुई, 10 और 10 20, ये पोजीशन कितनी हुई, 1 है, 10 प्लस 1 मीन्स 21, टोटल बच्चे कितने हुए पूरी लाइन में, 21, ठीक है, मीन्स बी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 16वां क्वेश्चन। 16वां क्वेश्चन ये बताया गया है कि सोमा उमा से छोटी है, नेहा सोमा से लंबी है, सोमा उमा से लंबी है लेकिन हेमा से छोटी है, उमा नेहा से लंबी है, इसमें से सबसे लंबा कौन है, उमा, हेमा, नेहा, सुधा। उम्मीद करता हूँ आपने वीडियो को पॉज किया होगा, देन अपना उत्तर दिया होगा। दोस्तों इसे हम इकट्ठे मिलकर सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या बताया गया है, सोमा, ठीक है, इसे हम ऊपर की साइड लिख सकते हैं, सोमा उमा से छोटी है, ठीक है, सोमा जो है वो उमा से छोटी है, मीन्स सोमा, देखिए सोमा लिखते हैं हम यहाँ पर, सोमा उमा से छोटी है, ठीक है। उमा मीन्स यदि सोमा उमा से छोटी है, उमा तो बड़ी हुई ना, यहाँ आया उमा, ठीक है। नेक्स्ट नेहा सोमा से लंबी है, नेहा सोमा से लंबी है, नेहा जो है वो सोमा से लंबी है, मीन्स यू और उमा और सोमा से बीच है नेहा, ठीक है, इनके बीच है नेहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ तक आपको क्लियर हुआ ना, और उमा सुधा उमा से लंबी है, सुधा उमा से लंबी है, मीन्स यहाँ आई सुधा, ठीक है, ठीक है, लेकिन हेमा से छोटी है, मीन्स सुधा जो है वो हेमा से छोटी है, हेमा बड़ी है, तो हेमा आई ऊपर, और ऊपर आई हेमा, इसके ऊपर हेमा आई, ठीक है। उमा नेहा से लंबी है, उमा नेहा से लंबी है, ठीक है, उमा नेहा से लंबी है, उमा ऊपर है, नेहा छोटी है, ठीक है। ये सीरीज़ कैसे बनी, अब पहले आई हेमा, फिर सुधा, फिर उमा, फिर नेहा, फिर सोमा, ठीक है। एक बार सुर से स्टेटमेंट देखते हैं, सोमा उमा से छोटी है, सोमा उमा से छोटी है, नीचे ही है, मीन्स छोटी है, नेहा सोमा से लंबी है, नेहा सोमा से लंबी है, मीन्स ऊपर, ठीक है,
सुदा उमा से लंबी है, सुदा उमा से लंबी है, ऊपर ही है, लेकिन हेमा से छोटी है, लेकिन हेमा से छोटी है, छोटी ही है सुदा, ठीक है। फिर उमा नेहा से लंबी है, उमा ऊपर है, नेहा छोटी है, ठीक है। सबसे लंबी कौन हुई? हेमा, हेमा इज़ द सबसे लॉन्गेस्ट, ठीक है। समझ में आया ना ये क्वेश्चन? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सोलवा क्वेश्चन, ये HP पुलिस में पूछ ली जाती है ऐसे क्वेश्चन। दोस्तों ये थी वीडियो जिसमें हमने डिस्कस किया आज का सबसे पहला प्रैक्टिस सेट ऑफ रीजनिंग सेक्शन का। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई, यदि ये सीरीज़ आप कंटिन्यू करना चाहते हो, ऐसे ही देखना चाहते हो और मोर एंड मोर क्वेश्चंस, तो आप मुझे बता दीजिए, हमारी टीम को बता दीजिएगा कि हमें ये सीरीज़ कंटिन्यू करनी है, तो हम इस सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे। दोस्तों इसको यदि आप ये वीडियो पसंद आई तो आप एक लाइक कर सकते हैं, बिकॉज आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है। वीडियो को शेयर जरूर करें दोस्तों, तैयारी कर रहे हैं बच्चों के पास ये वीडियो पहुंचनी चाहिए। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप खुश रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद, जय हिंद, जय हिमाचल।